सब्सक्राइब करें हमारी चैनल ज्ञान सरिता को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हथेली की रेखाओं से ये भी मालूम किया जा सकता है कि भविष्य में किसी व्यक्ति को कौन से रोग हो सकते हैं। यहाँ जानिए ऐसे ही कुछ योग जो बताते हैं रेखाओं के किन योगों से कौन से रोग हो सकते हैं। पेट रोग। किसी व्यक्ति की हथेली में चंद्र पर्वत पर नक्षत्र चिन्ह हो तो पेट रोग होने की संभावना रहती है। हृदय रोग। जिसकी हृदय रेखा में द्विध्रुव चिन्ह हो, शनि क्षेत्र के नीचे मस्तिष्क रेखा का रंग पीला हो या आयु रेखा के पास वाले मंगल क्षेत्र पर काला बिंदु हो या हृदय रेखा पर काले तिल का चिन्ह हो एवं द्विध्रुव हो तो व्यक्ति को आकस्मिक मूर्छा तथा हृदय रोग हो सकता है। आंत रोग। यदि रेखाएं पीले रंग की हो, नाखून रक्तवर्ण एवं धब्बेदार हो तथा बुध रेखा खंडित हो तो व्यक्ति को आंतों की बीमारी हो सकती है। रीढ़ का रोग। यदि हृदय रेखा पर शनि के नीचे द्विज चिन्ह हो तो व्यक्ति को रीढ़ की बीमारी हो सकती है। दांतों का रोग। जिस व्यक्ति की हथेली में शनि क्षेत्र उच्च हो और उस पर अधिक रेखाएं हो, बुध शनि रेखा लहरदार एवं लंबी हो, उंगलियों के द्वितीय भाग लंबे हो तो दांत के रोग हो सकते हैं। गुर्दे का रोग। यदि मस्तिष्क रेखा पर मंगल के समीप सफेद रंग के दाग हो एवं दोनों हाथों की हृदय रेखा टूटी हुई हो तो व्यक्ति को गुर्दे का रोग होता है। दमा रोग। यदि हाथों का मध्य का भाग छोटा हो, स्वास्थ्य रेखा बिगड़ी हुई हो, बुधवार रेखा मस्तिष्क रेखा से मिले एवं शुक्र पर्वत से एक बारीक रेखा निकलकर आयु रेखा को पार करके मंगल क्षेत्र पर जाए तो दमा खांसी एवं सांस लेने में परेशानी हो सकती है। पीला रोग। यदि व्यक्ति को बुध रेखा पर नक्षत्र चिन्ह एवं द्विज चिन्ह हो और उसी स्थान पर काला धब्बा हो तो व्यक्ति को पीलिया रोग हो सकता है। फेफड़े का रोग। मस्तिष्क रेखा पर शनि क्षेत्र के नीचे जंजीर जैसी आकृति हो तो व्यक्ति को फेफड़े तथा गले की बीमारी हो सकती है। क्षय रोग। जिस व्यक्ति की हथेली में नाखून ऊंचे हो और मस्तिष्क रेखा शनि पर्वत से बुध पर्वत तक पंखदार होकर जा रही है तो व्यक्ति को क्षय रोग टीबी होने की संभावनाएं रहती हैं। मिर्गी रोग। यदि उंगलियां टेढ़ी व नुकली हो और उंगलियों के नीचे के पर्वत दबे हुए हो, नाखून लाल हो या उन पर छोटे चिन्ह हो तो मिर्गी रोग हो सकता है। पैर से संबंधित रोग। जिस व्यक्ति की हथेली में शनि पर्वत उच्च हो एवं रेखाएं भी अधिक हो तथा मस्तिष्क रेखा शनि पर्वत के नीचे टूट जाए तो व्यक्ति को पैरों में दर्द अथवा पैर से संबंधित रोग हो सकते हैं। गठिया रोग। यदि व्यक्ति की स्वास्थ्य रेखा घिसी हुई सी छिन्न भिन्न हो एवं चंद्र पर्वत से एक रेखा निकल कर आयु रेखा को काटती जाए तो गठिया रोग हो सकता है। जलोदर। यदि चंद्र पर्वत पर नक्षत्र चिन्ह हो और चंद्र पर्वत के नीचे का भाग उच्च होकर अनेक रेखाओं से कटा हुआ हो एवं उस पर भी नक्षत्र चिन्ह हो तो व्यक्ति को जलोदर रोग हो सकता है। एसिडिटी। चंद्र पर्वत अधिक उन्नत हो तो एसिडिटी रोग होने की संभावनाएं रहती हैं। त्वचा रोग। यदि व्यक्ति के नाखून बांसुरी आकार के हो एवं हथेली की त्वचा कोमल हो तो व्यक्ति को त्वचा रोग हो सकते हैं। लकवा रोग। नाखून छोटे व त्रिकोणाकार हो और शनि पर्वत उच्च होकर कई रेखाओं से कटा हुआ हो और उस पर नक्षत्र का चिन्ह हो तथा चंद्र पर्वत पर जाल हो, मुख्य रेखाएं भी शुभ न हो तो व्यक्ति को लकवा रोग हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।